चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, यह तो हमें डेवन से पता था। यह हमें डेवन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, यह बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। एक कहावत है ना, थूक में पकौड़े तलना, यह इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। तो फिर आप इसको, आप फिर काम करें ना, आईसीसी को कह दें कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है। अगर बोल दिया था ना हमने बोल दिया कि खेलना नहीं है, फिर आपने बोला नहीं नहीं हम शारजा जाएंगे, दुबई जाएंगे, टिम्बकटू जाएंगे, हमें खेलना है। Am I right, मधुबन? हमने तो बोला था नहीं खेलना है, आपने बोला खेलना है। नहीं जाएंगे इंडिया, क्यों आते हो दुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दो बोटी फेंकोगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको कि सिंपली सीधे सीधे ऑर्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि या तो अफगानिस्तान से माफी मांगो या फिर क्रिकेट में बैन हो जाओ, खत्म, निकलो, दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और क्यों आखिर ये मामला इतना गर्म हो गया? मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो चलो ठीक है चल रही थी यार, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सब जो है फड्डेबाजियां चल रही थी, एक दूसरे को चीर रहे थे, घसीट रहे थे, मतलब घसीट क्या रहे थे, घसीटा पाकिस्तान ही जा रहा था हर वक्त, और अभी भी पाकिस्तान के ही पकौड़े लगे जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। वो इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े बोले हैं और इतनी बकवास करते हैं मुंह से, यकीन करो, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी और इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान को जलील और ख्वार कर दिया कि आज अफगानिस्तान वाले भी हमसे नाराज हैं और उनको पहले मनाना पड़ेगा, वरना चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बैन होगा, 100% बैन होगा, मैं लिख के देता हूं बैन होगा। आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मंसूख हो गई, और ऐसे लोग डिसाइड हुए, ऐसे लोग परेशान हुए कि यकीन माने अपने अपने आप को भी, इससे तो ये पैगाम गया ना कि फिर इंडिया पाकिस्तान में सेफ नहीं है। सीधी सीधी बात तो ये बनी पाकिस्तान की, आप इंडिया की बात करें, इंडिया तक बहुत बड़ा मतलब एक जो है उसके पास कंट्री भी है और उसके पास तकड़े स्पोर्ट वो अपने क्रिकेटर भी है। बिल्कुल अफगानिस्तान में हमें ये मैसेज दे दिया है कि हम नहीं आएंगे इस मुल्क में खेलने के लिए। अब जो इंडिया बोलता है वो ही अफगानिस्तान बोलता है। अब हमारे मुल्क ये इमेज रह गई है कि अफगानिस्तान जैसा भी मुल्क हमें पाकिस्तान में ये कहता है कि आपके मुल्क में हम सेफ नहीं है। हमने ही मौका दिया बातें करने का, ना सिगरेट लेते ना बातें होती। सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर आप कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी शहरी जो है ना है। वो महफूज नहीं है। अब पॉलिटिक्स, अब इंडिया के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइट वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस हैं। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहां भेजेगा, उसको एक झोर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान इन लाहौर अगेंस्ट इंडिया, विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान, और वाइस वर्सा इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान, वुड बीन सो नाइस। बट इट्स रियली रियली अप टू द गवर्नमेंट्स, इट्स गॉट नथिंग टू विद बीसीसीआई। जी, विराट कोहली इज ट्राइंग टू प्ले इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, द होल पाकिस्तान। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने एक टीवी शो में ये कहा है कि इंडियन प्लेयर्स, उनको ये फील होता है, यानी कि शुएब अख्तर को ये फील होता है कि इंडियन प्लेयर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने के ऊपर बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं आप, कह लें कि उनका शदीद दिल है, उनकी ख्वाहिश है कि वो आकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर एक चीज़ आपने, रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर भी क्रिकेट खेलनी पड़े मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मैं जाकर खेल लूँगा, कहाँ पर जाकर खेलनी है वो बीसीसीआई का डिसीजन है। बट उसमें, उस इंटरव्यू में रोहित ने एडमायर किया था पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, ही सेड कि यार दे आर रियली गुड पीपल, मोहब्बत करती हैं, इज्जत से पेश आती हैं, तारीफ करती हैं। अच्छा, क्योंकि तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की, ठीक है? इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए, आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए, आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए,
तब तो बात होती है जज्बे की, जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर दो, अब देखो इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें। और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि दो बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो, आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है वो पॉइंट नंबर टू है, वो भी एक फैक्टर है लेकिन वो पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर वन है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 2611, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं। भाई खेल को सियासत में है ना, तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड, दो कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए, दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए फिफ्थ लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे थर्ड लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुरखाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार। The cricketer said that Pakistan should agree to the hybrid model. Well, I think agree कर जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो agree नहीं करेंगे, but क्रिकेट में देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वैसे ही नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ईगो को साइड रख के क्रिकेट को आगे बढ़ने देना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे खेलिए, क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े। हाँ तो दोस्तों ये हरभजन सिंह भाई साहब का दोगलापन देखिए, एक ही वीडियो में विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए तीन तीन बातें ऐसी कह दी, दो बातें वो जो ये हमेशा करता है, तीसरी बात वो इसने कही जब इसको विक्रांत गुप्ता ने आईना दिखाया, आईना दिखाने के बाद ये बंदा पाकिस्तान की तारीफ करने लग जाता है, पाकिस्तान के लोगों की। हाँ पहले पाकिस्तान के बारे में गंदी चीजें निकल रही होती है, जब विक्रांत गुप्ता इसको आईना दिखाता है तब फिर अच्छी चीजें मुंह से निकलने लगती हैं। तो इसने तीन बातें कही, एक चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, पाकिस्तान में इंडिया तो क्या दुनिया की कोई भी टीम नहीं जाना चाहती, ये इसने कहा है। दूसरा पाकिस्तान की आवाम के बारे में इसने बहुत अच्छी बात कर दी, ठीक है, जब ये खुद आता था खेलने। तीसरा कि इसने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने जो धमकी दी है कि हम भी फ्यूचर में इंडिया में नहीं आएंगे खेलने, तो कह रहा है ठीक है मत आओ, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ इस दोगलेपन की, दोगले आदमी की, ये तीन बातें जो विक्रांत गुप्ता से इसने कही है, पहले ये गलत चीज़ें निकाल रहा था, फिर विक्रांत गुप्ता ने इसको आईना दिखाया तो बंदा फिर सीधे ट्रैक पे आ गया था। इसके बारे में बात करेंगे, इसका दोगलापन मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। अब तीन बातें इसने जो करी, सबसे पहली बात उसने ये कही कि देखो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर विक्रांत गुप्ता ने सवाल किया तो कहा देखो मैंने पहले भी ये कहा था 2022 में कि इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया को जाना भी नहीं चाहिए, क्यों वहां पे जो है सिक्योरिटी का मसला है, इंडिया तो क्या दुनिया की कोई भी टीम वहां जाना नहीं चाहती। ये हरभजन सिंह ने कल विक्रांत और रात को ये विक्रांत गुप्ता को उसने इंटरव्यू दिया है और रातों रात विक्रांत गुप्ता ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, उसमें वीडियो अपलोड पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसने कहा है कि इंडिया को छोड़ो कोई भी टीम वहां जाना नहीं चाहती, बताओ ये। और ये तो खैर मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा, अभी डेडलॉक है, मगर साथ ही साथ एक और पीसीबी को इसी पूरे सिलसिले में एक सवाल जो कि सोर्सेस क्लेम करती हैं वो आया कि अगर तो अभी जब हम इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं और फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको शफल पे रख रहे हैं कि अगर इंडिया आएगा फाइनल में तो वो यूएई में दुबई में खेला जाएगा, वरना अगर इंडिया नहीं आएगा तो लाहौर में खेला जाएगा, मगर अगर लाहौर में फाइनल खेला जाता है तो जो भी चैंपियन बनेगा क्या जय शाह साहब उनको उस चैंपियन को ट्रॉफी देने आएंगे, बिकॉज ही इज हेडिंग आईसीसी नाउ।
लास्ट ईयर रॉजर विनी और वो राजीव शुक्ला आए तो थे पाकिस्तान। अब एक बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है यार, कि हाँ राजीव शुक्ला वो आए थे, रॉजर विनी आए थे लास्ट ईयर किया था उनको एशिया कप के लिए। बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जैसे अभी बात हो रही थी कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का जो सिलसिला हुआ था, आई मीन देखिए आईसीसी का एक बहुत बड़ा रोल बिल्कुल क्या जिम्मेदारी बनती है कि यार आप बैठे हैं जबकि आपको पता है ये बात, यू ऑल्सो नो दिस वेरी क्लियरली, जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान तो एक चैंपियंस ट्रॉफी के फारिग हो जाएगा आईसीसी इवेंट से, ठीक है, फिलहाल अगले दो तीन साल के लिए, लेकिन इंडिया में तो अभी मतलब ये आईसीसी के कोई चार इवेंट है, ठीक है, अगले चार साल में, और उसके बाद आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ भाई, आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है, कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की, जज्बे वाली कौम सब फ्रॉड 420 झूठ। नंबर दो, अब देखो इंडिया कहता हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ, नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और यह दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दो बोटी फेंकोगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो, आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है वो पॉइंट नंबर टू है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर वन है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 2611, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ, ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड, दो कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को फर्क पड़ रहा है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए, दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे बिना बन गए फिफ्थ लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे थर्ड लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुरखाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार, है दिस इज ऑल पनिशमेंट, तुम्हारी करतूत लिख के दे देना चाहिए। अगर आप ऐसे ताली बजाएंगे ना तो नहीं, अब मुझे मेरे कान में भी आवाज नहीं आ रही, ऐसे आती है। तो आईसीसी भी और बीसीसीआई भी, मतलब जय शाह साहब को ही बोल रहा हूं, दोनों ही, बीसीसीआई भी वही है, आईसीसी भी वही है, इन राइटिंग दें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं मोहसिन नकवी साहब का मीटर ना घूम जाए, ये ना हो कि अच्छी भली जो बातचीत हुई भी है इंडियन डे आए, हेडिंग आएगी वो होगी ब्रेकिंग न्यूज, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसल, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें क्रिकेट देखनी है और ये चीज ना हो। परसों आप लोगों को फैसला आ जाएगा, उससे पहले कल कोई और मुल्क मनाना कर दे कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वक्त आईसीसी ने कंट्रोल करा हुआ है सारे मुल्कों को, चाहे वो अभी आप देखें ना, इंग्लैंड खेल के गया था पाकिस्तान में होम सीरीज, बड़े अच्छे उसमें गए थे और पीएसएल के लिए मना कर दिया। तो ऐसे इन भाई बासित अली तो इन गोरों पे एतबार नहीं करता, मैं सीधी सी बात है कि ये जहां की हवा होती वहीं बदल जाते हैं, तो अपने बाजू में इतनी जान लाओ ना यार कि सब आपके वो हों। बाकी जो सवाल आते हैं आपके वो अब लेना थोड़ा कम करूंगा, 10 दिन तक ग्रुप थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा साइडलाइन करा हुआ है, काम भी हैं
और मैचेस भी हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नए ग्रुप्स भी ऐड करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें लें हमें लें, इंशाल्लाह सबको लेंगे। लेकिन ही जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरमैन बने हैं रादर, साथ ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको एक चक्कर में फंसाया जा रहा है और पाकिस्तान से शायद चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं मुकम्मल तौर पर बाहर शिफ्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया जा रहा है, थोड़ी धमकियां टाइप की ये चीज़ें दी जा रही हैं कि तुम हमारी बात मान जाओ वरना हम ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब खबरें परेशान कुन आ रही हैं, अफगानिस्तान के हवाले से खबर आई है, क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान आने से इनकार कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कर सकता है BCCI और ICC मिलकर पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने अब क्या किया है और क्या जवाब जो है वो वहाँ से मिल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें वो मान गए हैं, पाकिस्तान की शरायत मान गए हैं, लेकिन एक ऐसी शर्त है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या होने जा रहा है, एक दो दिन के बाद एक फिर से मीटिंग कॉल होने की खबरें आ रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे मुकम्मल। जीवन वर्मा ताना, डू अस अ फेवर, वी विल नॉट गो टू योर कंट्री एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉट टू गिव देम वीजा टू कम टू इंडिया। ये कलेश काटो। अच्छा, यहां पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, मैंने कुछ मेजरली राइट में भी मेंशन करा था और मुझे इतनी हंसी आई, पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों ने बोल दिया यस हम पाकिस्तान, पता नहीं जैसे पाकिस्तान नहीं हो गया लंदन हो गया। बड़े बड़े कौन जाना चाहता है पाकिस्तान, ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं यार, ये किनके दिमाग में ये रोमांस है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये झूठ है ना, जिनने लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो दोगलापन है, ये तो दो नंबर का खेल है, ये तो 420 है। अब आप खुद देखिए, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सबके होटल के कमरे लाहौर में बुक हो गए हैं। वाह वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर भी आएगा, वीरेंद्र सहवाग भी आएगा, राहुल द्रविड़ भी आएगा, सब बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर इनके आ रहे हैं, कुछ नहीं पता और कौन आ जाए इंडिया से, लाहौर में होगा सब कुछ। मुझे अपने जराए से पता लगा, यानी कि अपने सूत्रों से पता लगा है, मुझे अपने जराए से पता लगा है कि ये होने वाला है और सब सेटिंग हो गई है। ये बातें चल रही पाकिस्तानी टीवी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, फिर अचानक पता लगता है कि मोहसिन नकवी ने ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और पाकिस्तानियों के मुंह पे दे मारा और बोला जाइलो उठो, पापा कह रहे नहीं आएंगे, पापा कह रहे हैं खेलना है तो खेलो, बाहर खेलो वरना चलते बनो। ये जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैन लेके चलो। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप आवाम के अंदर जाके देखें, स्पेशली स्पोर्ट के हवाले से। सर आवाम में वैसे गुस्सा है ये डिसीजन जो हुआ है? बहुत गुस्सा है। गुस्सा क्या है कि मेरा ये दिल करता है कि ये जो मैंने वर्दी पहनी है उतार के मैं फेंक दूं और आज के बाद स्पोर्ट की तरफ जाऊं ना। जो इन्होंने हालात की है मनता ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हमारे क्रिकेटर्स पहले डाउन थे, हमारी टीम पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ऊपर से ऐसी बातें। अब पिछली सीरीज जितनी भी है सॉरी आप देख लें पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान की स्पोर्ट ने जिम्बाब्वे से हारे हैं 4 दिन पहले की बात। उसके बाद ये जिम्बाब्वे से हारने के बावजूद हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा जो शऊर आना था, थोड़ा सा वो जो हमें उसका जो फायदा आना था वो भी हमसे खत्म हो चुका है, उसके भी हम जो है ना ये मरियमत खो चुके हैं। सर क्या समझते हैं जो क्रिकेट की अगर वैल्यू देखें, हमारी क्रिकेट की वैल्यू डाउन है, हमारे क्रिकेटर की वैल्यू डाउन है और इंडिया के क्रिकेटर से ऊपर है हमसे? बिल्कुल, आप देखना कोहली के आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देख लें, बिल्कुल ठीक है ना। अब क्रिकेट ने तो ब्रांड देखना है, क्रिकेट ने तो पैसे पे बिकना है, ठीक है ना। चैंपियन ट्रॉफी होनी पैसा है खरीदने के लिए और हम बिकते हैं बिल्कुल। अब सामने वाले ने तो बिकना ही होता है, ठीक है ना। अब देखे लेकिन ऐसे नहीं बिकना चाहिए था जैसे बिके हैं, ठीक है ना। उसके लिए 25 करोड़ आवाम और सिर्फ 80 करोड़ रुपए पे बिकी है यार, कुछ ज्यादा ले लो। बिल्कुल यार, यही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ऐसे बिकने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि बिकना पैसों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे क्रिकेट, पहली तो बात यह है कि खेल है, उसको सियासत में होना, सियासत को डालना ही नहीं चाहिए खेल में, ठीक है ना, इकट्ठे करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा गुस्सा के हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नो डाउट इंडिया भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन चूंकि आप देखें ना कि सर उनकी शरायतें तो मानी गई, बिल्कुल वो तो कामयाब हो गए। हाँ जी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, तो उनकी मानी जानी थी, ठीक है ना। हमारी और उनकी क्रिकेट का, पाकिस्तान का
मैच था जो पाकिस्तान ने बहुत आसानी से जीत लिया, 69 रन से पाकिस्तान ने जीता, 314 पाकिस्तान ने बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ शाहजेब खान ने सेंचुरी नहीं की बल्कि उन्होंने बड़ी सेंचुरी आज एक बार फिर की, 132 रन्स बनाए उन्होंने, 138 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 6 छक्के लगाए, 97 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो बैटिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद रियाजुल्ला, जी हाँ, जो इंडिया के खिलाफ मैच में जिन्होंने एक इनिंग्स लगाई थी, एक पार्टनरशिप लगाई थी मिलके शाहजेब खान के साथ, आज वो वन डाउन उनको भेजा गया और आज उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है जी, अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, 106 रन्स उन्होंने बनाए और बिल्कुल आखिरी गेंद के ऊपर वो आउट हुए छक्का मारने की कोशिश में, 91 गेंदों का सामना किया, ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 9 उन्होंने चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। जबकि आज के इस मैच का जो सबसे बड़ा सरप्राइज था और जो सबसे बड़ी कारकर्दगी थी वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब्दुस सुबहान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा उन्होंने किया और 6 विकेटें हासिल की। ये एशिया कप में किसी भी बॉलर का 3rd बेस्ट जो है वो बॉलिंग है, बॉलिंग स्पेल है जो आज उन्होंने किया, ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से 6 विकेटें इन्होंने ली। मोहम्मद अहमद हुसैन जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, आज अली रजा विकेट नहीं हासिल कर सके, और भी किसी बॉलर ने विकेट। सेम यही नैरेटिव कुलदीप यादव का भी था, कुलदीप से जब इस बारे में सवाल हुआ था तो कुलदीप ने भी सेम यही वर्ड्स यूज किए थे, ही सेड के पाकिस्तान जाकर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कहीं पर भी जाकर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, BCCI का डिसीजन है कि हमने कहाँ पर जाकर खेलना है, हम BCCI के अंडर आते हैं, बट ही सेड के पीपल इन पाकिस्तान आर रियली गुड, जनरस हैं, मिलते हैं अच्छे तरीके से, इखलाक के साथ इज्जत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। अभी सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह के साथ साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ के दौरान कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस दोनों को मिले थे, बड़ी ईजी गोइंग बातचीत हुई थी, आपको मतलब लहजे से पता चल जाता है ना, सवाल करने वाले का जो लहजा होता है ना या बात करने का जो लहजा होता है उससे आपको पता चल जाता है कि यार हाँ भाई ये बंदा किस टोन में बात कर रहा है। तो ये बात बड़ी सर्टन है, ये बात बहुत सर्टन है कि अनफॉर्चुनेटली अगर टीम इंडिया आ जाती ना तो एक तो आप टीम इंडिया का जो पाकिस्तान के अंदर वेलकम होता वो देख कर हैरान परेशान हो जाते हैं। मैं ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर आप मुझसे शर्त लगवाना चाहें ना, मैं शर्त लगाने को भी तैयार हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस या और कुछ जिनके साथ मेरी गपशप होती रहती है वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, वो अपने मुंह से मानते हैं कि और भाई हमें पता है यार कि हमारी टीम अगर आपके देश में आती तो आप लोगों ने अंत डाल देनी थी, वो वेलकम ही ऐसा होता कि यहाँ पर इंडिया जो है ना उसने हैरान परेशान हो जाना था कि ये क्या हुआ है। मैचेस के दौरान जो सपोर्ट है वो तो छोड़ ही दें, ये सिर्फ बात हो रही है कि जब टीम इंडिया एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करती और लैंड करने के बाद और अफगानिस्तान का इनकार करना PCB के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका आपको मालूम है? PCB का अपना ही हाथ है और PCB में बैठे हुए नालायक नखट्टू लोगों का हाथ है। अब क्या हुआ सारा सीन वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि अफगानिस्तान का जो मसला है ना वो इंडिया वाला मसला नहीं है, अफगानिस्तान ने किसी और वजह से पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम है कि 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद आपको यह भी मालूम है कि लोगों पे जो है सरेआम सीधी सीधी गोलियां चलाई गई, कुछ लोग जो है वहां पर जो मारे भी गए हैं, ठीक है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो आपको हैरान करेगी। जब ये प्रोटेस्ट हुआ ना तो मोहसिन नकवी जो कि इस टाइम PCB के चेयरमैन भी हैं और साथ में जनाब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उस प्रोटेस्ट के दौरान मोहसिन नकवी ने एक आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहसिन नकवी ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना इसमें कश्मीर से और साथ में जो है वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट बुलाए गए हैं, इनके दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से बुलाया गया है और वो जो है वो आके यहां पर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। अब
मोहसिन नकवी ने वहां पर जो है वो अपना केस सीधा करने के लिए अफगानियों को दहशतगर्द तो बोल दिया, लेकिन आप अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि भाई हमें आपने दहशतगर्द क्यों बोला, हमें आपने टेररिस्ट क्यों बोला, हमारा तो कोई काम ही नहीं था और ना ही हम वहां पर मौजूद थे। इसलिए अफगानिस्तान ने इतनी ज्यादा गुस्सा के हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नो डाउट इंडिया भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन चूंकि आप देखें ना कि सर उनकी शरायतें तो मानी गई, बिल्कुल वो तो कामयाब हो गए। हाँ जी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, तो उनकी मानी जानी थी, ठीक है ना। हमारी और उनकी क्रिकेट का कोई मुकाबला है या उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर है? उनकी क्रिकेट सर बहुत बेहतर है। हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका हमाद मुस्तफा, बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, इंडिया को पाकिस्तान आना है तो आए वरना हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन भाई सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए में मोहसिन नकवी साहब गए हैं और 25 करोड़ अवाम की इज्जत बेच के आ गए हैं। इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, सारा मीडिया आपके ऊपर हंस रहा है कि ये औकात थी आपकी, जस्ट 80 करोड़ रुपए में भाई आपकी पूरी का पूरा मुल्क बिक गया है। भाई उस 25 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? वो बेचारी घरों में बैठी है और एक बंदा मोहसिन नकवी साहब उठ के गए हैं दुबई और जाके भाई सबकी नीलामी करके आ गए हैं सिर्फ 80 करोड़ रुपए के अंदर। पाकिस्तानी अवाम में बड़ा गुस्सा है इस बात से लेके, इन्हीं से बात करते हैं सर। 80 करोड़ रुपए और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बिक गई है उसके ऊपर, काफी ज्यादा 80 करोड़ तो बहुत पैसे हमारे। एक करोड़ आ जाएगा सबको बहुत अच्छे। देखिए 80 करोड़, 80 लोगों को तकरीबन पैसे डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन बोर्ड के जो मुलाजमीन है वो 80 है तकरीबन, तो बस 80 करोड़ काफी है इनको, इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान का। ये इस तरह आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान की जो ईगो है वो भी हट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को भी आप गवा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं, और मैं सबसे बड़ी हटदर्मी ये समझता हूँ हमारे चेयरमैन साहब की, हर इंटरव्यू में नहीं नहीं जी इधर ही आना है, रट्टा लगाया हुआ, जैसे कोई पेपर देने जाता है रट्टा लगाता है ना, याद करता है ये करूंगा वही किया इससे बेड़ा कर। मुझे तो पहले से इल्म था, हम इंडिया को पैगाम देते हैं भाई क्रिकेट में सियासत ना लेके आए, हम तो सियासतदान ही क्रिकेट के ऊपर हमने चेयरमैन बिठा दिया, तो ये कैसे वो अगले समझेंगे सियासत, उन्होंने तो सियासत करनी है और इंडिया सबसे होगा। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। देखो भाई, हुआ कुछ यूं कि यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन है, और ये एक चेयरमैन नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने चेयरमैन हैं सबके अंदर ये खामियां रहती हैं, ये बड़बोले होते हैं, इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज नहीं होती। देखो, इससे लाख दर्जे बेहतर मैं कहता हूं जय शाह है, चाहे वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, चाहे वो आईसीसी का चेयरमैन है, चाहे वो यहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसने कभी भी अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली, उसने जो बोला वो करके दिखाया। वो बंदा क्रिकेट से, लोग कहते ना कि भाई नॉन क्रिकेटर जो है वो नहीं आ सकता क्रिकेट में, वो बंदा क्रिकेटर नहीं था लेकिन क्रिकेट में आया, उसके डिसीजन, उसकी मेंटेलिटी, उसके जो भी आइडियाज थे क्रिकेट में, उसने इंडियन क्रिकेट को पर पहुंचा के रख दिया और अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मत यह है कि हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं इतने बड़बोले होते हैं, इतने बकवास करते हैं कि अपने आप को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ पाकिस्तान के अपने लोगों का होता है, बाकियों का बाद में होता है। क्योंकि देखो, वो मेरे ख्याल से जका अशरफ से ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया वालों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, मतलब यकीन मैं कसम खाने वाली बात करता हूं कि दुनिया में जितना अच्छा स्वागत पाकिस्तान का किया है इंडिया ने, इस तरह किसी का स्वागत नहीं किया था। क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई हमारे रूठे बच्चे या हम रूठे बच्चे, चलो आने देते हैं, इनको मनाते हैं, थोड़ा सा टॉफी शॉफी खिलाएंगे, थोड़ा चुम्मी चाटी करेंगे, मान जाएंगे ये पाकिस्तान वाले बच्चे, तो यहां पर सारी जो टेंशन है वो खत्म होने की। लेकिन जका अशरफ यहां पर खड़े होकर बकवास करते हैं कि देखिए जी, हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो देखिए जी हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए हुए हैं, वहां पर देखिए उनको सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट। अबे भैंस की टांग, कौन से दुश्मन मुल्क में गए थे भाई हमारे बच्चे, हैं अपने बाबा के घर में जाना तुम्हें दुश्मन मुल्क में जाना लगता है यार, कोई खो था। जैन दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान जिसका होस्टिंग राइट है, लेकिन वह पाकिस्तान में नहीं हो रही है। इस वजह से पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है और पाकिस्तान मीडिया बोल रही है जो चैंपियन ट्रॉफी है वह हाइब्रिड मॉडल पर नहीं कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में बहुत बोला है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं कराएंगे, इसको पाकिस्तान में ही कराएंगे। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मान गया है। पाकिस्तान बोला कि हम जो चैंपियन ट्रॉफी है वह हाइब्रिड मॉडल पर ही करने के लिए मान गए हैं। यह है चैंपियन ट्रॉफी के मामले में मेजर साहब, मेजर गौरव आर्य साहब ने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मीडिया को बुरी तरह से धुला है और पाकिस्तान के बारे में बताया। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए पाकिस्तान किस तरह से रो रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया पहले तो खूब उछल रही थी लेकिन बाद में बुरी तरह से रोने लगी है।
जो चैंपियन ट्रॉफी है वह अब तो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। पाकिस्तान लाख बोले हम चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होने देंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अब बिक चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया है जिससे कि पाकिस्तान की मीडिया मान गई है और वहाँ की जनता बहुत गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ पैसे लेकर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया है। दोस्तों चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।